नगर निगम सोलन में पार्षदों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये जानकारी नगर निगम सोलन के डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने दी। राजीव कौड़ा ने कहा कि शहर में विकास किस तरह करवाया जाए, उनकी क्या रूपरेखा हो और कितना खर्च होगा, बजट की क्या स्थिति होगी, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा में सभी चुने हुए पार्षद अपनी अपनी राय रखेंगे और शहर का चौमुखी विकास हो सके इसकी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों का लक्ष्य नगर निगम सोलन को आदर्श नगर निगम बनाना है, जिसको लेकर कल सभी पार्षद अपनी बात रखेंगे। डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम सोलन में कल पहली बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें नगर निगम के बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। कल का जो जनरल हाउस है, अभी जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस क्लियर हुई है कि हम लोग अपना कार्यभार संभाल सकते हैं, जिसे हम एक माह से हम वेट कर रहे थे इस दिन का कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ बैठे हैं, कमेटी के कामों को रेगुलर देखे, तो इसीलिए मैडम मेयर ने 5-6 दिन का टाइम दिया ज्वाइनिंग के साथ की, और बुधवार का कल का 19 तारीख का हाउस रखा है। इसमें मेन एजेंडा एक हमारा बजट का है, कल हम बजट पे इस पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या वो अनुकूल बना है या कोई उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारा जाएगा, और उसका अगली बैठक भी हम जल्दी करेंगे क्योंकि उसमें बजट को फिर हम पास भी करेंगे। उसके पश्चात ये जो पार्किंग का मुद्दा भी है, ये भी हमने रखा है कि जो CLC को दी है कि इसका आगे टेंडर द्वारा करना है या इसका ओपन टेंडर करना है या बोली सिस्टम ही करना है, उस पर भी चर्चा होगी। एक नए मीटिंग हॉल के बारे में भी हमने एक प्रस्ताव डाला हुआ है कि एक नया मीटिंग हॉल चाहिए, कि स्पेस कम है, हमें एक बड़ी जगह चाहिए। काउंसलर्स अब 17 हो गए हैं, उसके बाद नॉमिनेट काउंसलर्स भी आने हैं, तो हमें भी एक बड़ा स्पेस चाहिए, उस पर भी चर्चा कल रखी गई है। उसके अलावा कल जो है सब कमेटियों का भी निर्माण किया जाएगा, फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी और सोशल वेलफेयर कमेटियों का भी कल निर्माण किया जाएगा। इस हाउस के पश्चात हम बाकी अन्य मुद्दों पर जो चर्चा है वो मैडम मेयर की अनुमति से की जाएगी। जैसे उसमें एक मुद्दा मैडम के ध्यानार्थ भी आया है कि हमारे पास लगभग 31 केसेस पेंडिंग है जो पेंशनर्स पेंशन लगनी है, ओल्ड एज पेंशन या कोई विडो पेंशन है, तो उनको भी हाउस से परमिशन मिलती है, तो उसको भी हम कल जो है मैडम की तो हाउस ग्रीन सिग्नल देगा, तो हम उसको भी उन लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके पश्चात हम बहुत जल्द भी जो जनरल हाउस है वो बहुत जल्द एक और बुलाएंगे, जिसमें मैप्स वगैरह जो पेंडिंग है लोगों की, जो और पेंडिंग काम है, उनको मैडम की अनुमति से करवाया जाएगा।